खैर यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ नजर नहीं है, यहाँ बैठते थे, लेकिन पानी आप देख सकते जो पानी नीचे तक नहीं ऊपर तक है, वही वाली बोटिंग मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसन अली, और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल के वेदर के समय, टूरिज्म के समय, पर्यटक के समय, और मैं दिखाने वाला हूँ कि नैनीताल में कितनी भीड़ भाड़ है। क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली में जो 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है G20 से, तो दिल्ली से नैनीताल करीब है, तो खास तौर से जो कल भी दिल्ली से नैनीताल काफ़ी लोग पहुँचे हैं, आज ही पहुँचे हैं, तो दिखाने वाला कितनी भीड़ भाड़ है। और आप लोग भी अगर दिल्ली में रहते तो आप भी नैनीताल आ सकते हैं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी सब बंद है वहाँ, तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास गाड़ी हो तो आप सुबह निकलिए, शाम को यहाँ पहुँचिए और फिर हसीन वादी वहाँ से इन्जॉय करिए, लुत्फ उठिए। और इस टाइम मेरा आप देख फेस में देख रहे हो चमक, तो बिल्कुल सामने से धूप पड़ रही है बिल्कुल, और काफ़ी फेस गर्म हो गया मेरा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और नाक भी मेरी ये लाल दिख रही होगी आपको, क्योंकि धूप में इस टाइम चटक पड़ रही है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ मल्लीताल रिक्शा स्टेशन के पास, और आज देखते हैं कि भीड़ भाड़ कैसी। आज है संडे का दिन, तो ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन संडे के दिन में चलते हैं थोड़ा सा माल रोड की तरफ और देखते हैं माल रोड में कैसी भीड़ भाड़ है, क्योंकि दिल्ली में बंद होने की वजह से अब नैनीताल में भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो आप लोगों को पता ही है। और दिल्ली में जो है 8 तारीख से बंद है, या 7, 8, 9 है, या 8, 9, 10 है, तो उससे जहाँ है भीड़ बढ़ जाएगी। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या देख सकते हैं माल रोड में। और चिकन की खुशबू, क्या चिकन की खुशबू आ रही है, रोस्टेड बन रहा होगा कहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, खैर यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ नज़र नहीं है, फुटपाथ में थोड़ी भीड़ है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से है भीड़। तो ये है नैनीताल की माल रोड, और जैसा आप देख सकते हैं ये इस तरह की लोगों की आवाज़ें चल रही है माल रोड में, और वेदर भी इसमें काफ़ी साफ सुथरा वेदर है। तो देख सकते हैं, तो आज कुछ मार्केट भी बंद है यहाँ पर, जैसे प्रिंस बंद है ये, तो ये है नैनीताल की माल लोड। चलते हैं लेक के पास और देखते हैं लेक में कैसा नज़ारा है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं मैं हूँ इस टाइम मालूट के पास, और बिल्कुल मैं कोने में ही खड़ा हूँ, क्योंकि पानी का लेवल जो है बहुत बढ़ चुका है। और आप लोग देख सकते हैं इस टाइम लोग बोटिंग करते हुए, और उधर की तरफ से फॉग मल्लीताल की तरफ, और बिल्कुल इस टाइम ना पानी का लेवल यहाँ ऊपर तक है। हम हालांकि जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बैठा करते थे, तो नीचे सीढ़ियाँ यहाँ बैठते थे, लेकिन पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर तक आ गया। और मैं बिल्कुल यहाँ पर लास्ट कोने में ही खड़ा हूँ, मैं ये बिल्कुल एंड में ही खड़ा हूँ, इसके ऊपर दीवार लगी हुई। और तो ये देख सकते हैं आप लोग, पानी बिल्कुल ऊपर तक आ गया है, और इस टाइम जो है हमारी इस तरीके से नज़ारा देख सकते हैं। और ये है हमारी नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक है ये सामने, और पानी का लेवल ना बहुत ऊपर तक बढ़ गया है। हालांकि हम नीचे बैठते थे, लेकिन पूरा पानी पानी है नीचे, और ये जो है ग्रीनरी देख रहे हैं, पूरी पानी का कलर ग्रीन दिख रहा है बिल्कुल। और दिल्ली में जो 3 दिन का हॉलीडे छुट्टियाँ पड़ रही हैं, उससे अब नैनीताल में भीड़ भाड़ होने लग गई है, और देखते हैं कल परसों में और पर्यटक नैनीताल पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। फिलहाल कुछ वेदर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये नीला आसमान यहाँ पे, और यहाँ पे हैं बादल लगे हुए। पल्लीताल में पूरा कोहरा लग गया सामने, देख सकते हैं आप लोग, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर माल रोड लगते हुए सामने, अपर माल रोड, लोअर माल रोड, और यहीं से आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं आप लोग। लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है इस टाइम, ये देखिए यहाँ पे सूरज है बिल्कुल, तो धूप ना इस टाइम काफ़ी तेज़ लग रही है मुँह पे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से आपको पैडल बोर्ड भी मिल जाती है, और माल रोड के जस्ट करीब ही हूँ मैं,
और कुछ लेक का नज़ारा कुछ ऐसा है, और लेक में ही मैं आ गया हूँ। इस तरीके से मैं खड़ा हूँ, ये लाइफ जैकेट है, इसको पहन के आप बोटिंग कर सकते हैं। अगर इसके बिना करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको पहन के, ये अनिवार्य है, तो इसको पहन के ही बोटिंग करें आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और पूरा इधर आसमान नहीं तो टल्ली ताल की तरफ गोरा लगा हुआ है, और यह है लेक। तो यहाँ से देख सकते हैं फुटपाथ से, और यहीं से हमें टूरिस्ट का अंदाज़ा लग जाता है, जैसा आप देख रहे हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, और यहीं से सब लोग बोटिंग करने जा रहे हैं। सामने देख सकते हैं, और यहाँ से क्या प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो और हवा भी यहाँ पर ठंडी ठंडी चल रही है, अभी मैं था उधर की तरफ तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी, ऊपर रोज चमक और गर्माहट बूंदलाल जैसा हो जा रहा था। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बढ़िया यहाँ से एक सीनरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सामने ये बोट से भी चल रही हैं, और काफ़ी तादाद में बोट से चल रही हैं, आप देख सकते हैं ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बंद होने से नैनीताल में रोज़गार कितना बढ़ गया है, ये देख सकते हैं आप लोग सामने। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से देखिए, और इधर की तरफ देख सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से देखिए, आपको पर्यटक यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे सामने, कितने सारे पर्यटक हैं। तो काफ़ी लोग बोटिंग करने जा रहे हैं, और आजकल तो ऊपर से लोग बोटिंग करने चले जा रहे हैं, सीढ़ी नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी तक पानी जो है, पानी नीचे तक नहीं ऊपर तक है, पानी का लेवल मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो लोग यहीं से चले जा रहे हैं, बिल्कुल लेवल में आ रही है बोट, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को, आराम से चले जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अभी था मैं मालू की तरफ, फिर था मैं बोट स्टैंड की तरफ, अब आ गया हूँ मैं फुटपाथ की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग सीनरी टाइप की मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग आएँ तो आप लोग फ़ोटो खिंचा सकें। जैसे यहाँ से भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका पीछे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी मैं फुटपाथ के बोट स्टैंड के पास था, वहाँ से भी प्यारा व्यू देखने को मिलता है, माल रोड की तरफ से भी प्यारा व्यू देखने को मिलता है। और ये देखिए सब ये बोटिंग करने ले जा रहे हैं लोगों को, ये देखिए सामने। तो ये लोग जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, अगर लोग तैयार हो जाते हैं फिर ये जाते हैं, उनका टिकट काटते हैं, फिर 10-15 मिनट इनको घुमा के जाते हैं, और फिर इस तरीके से आप भी नैनीताल के साथ नैनीताल के लेक में बोटिंग कर सकते हैं। सामने जैसा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सामने चप्पू, इधर से आपको चप्पू वाली बोटिंग मिलेंगी बोट्स सामने देख रहे हैं आप, और कैपिटल सिनेमा की तरफ से आपको मिलेंगी पैडल बोट्स। एक घंटे का उसका समय रहता है, और दो जने के लिए भी रहता है, चार जने के लिए भी रहता है, तो चार लोग भी बोटिंग कर सकते हैं, पैडल बोट दो लोग भी कर सकते हैं। और इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ के पास ही, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से हमारा हमारी फुटपाथ की शुरुआत हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं ये। तो यहाँ से हमारी जो है फुटपाथ लग जाती है, सामने देख रहे हैं अभी इस तरीके से। अभी तो थोड़े पर्यटक कम है, लेकिन शाम तक क्या पता बढ़ जाए। और इधर का मैंने आपको कल दिखाया था फुहारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके अंदर बिल्कुल छाव लोग बैठे हुए सामने, जैसा मैंने आपको बताया था कि लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली, और ये जो आपको दो दो दिख रहे हैं, ये हमारा पांगड़, इससे हम बहुत खेलते थे बचपन में। तो यहाँ पे देखिए धूप बिल्कुल नहीं, और उधर की तरफ तो काफ़ी धूप है, जहाँ पे मैच चल रहा है बिल्कुल चटक धूप है, तेज़ धूप। तो इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ के पास ही, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो यह है नैनीताल की फुटपाथ। तो फाइनली आज का लोग जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आज का लोग तो लाइक करेगा मेरे चैनल, तो मिलते हैं नेक्स्ट लोग, तब तक के लिए बाय 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 बाय।